ही ग्रोन अप, वो बड़ा हो गया है एंड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, और खुद की देखभाल कर सकता है. वेयर एंड व्हाई डिड अवी गो, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, अवी गो अवी गया कहाँ गया था. अवी वेंट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पास पहुँचा टू एन्जॉय साइकिलिंग, ठीक है, साइकिल की सवारी करने के लिए. व्हाट डू यू लर्न, आपने क्या सीखा फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से कहानी से आपने क्या सीखा. तो वी लर्न दैट, हमने सीखा वी शुड ऑलवेज ओबे एल्डर्स, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए. व्हाई वाज हिज फादर वर्रीड, उसके पिताजी चिंतित क्यों थे, दुखी क्यों थे. तो बिकॉज, क्योंकि ही सा द अवीज बाईसाइकिल, उन्होंने अवी की बाईसाइकिल को देखा. ऑन द एक्सीडेंट स्पॉट, दुर्घटना स्थल पर जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ अवी की साइकिल पड़ी थी, तो उनको लगा कहीं अवी को चोट ना लग गई हो. अब आते हैं बेटा आपके एड आई एन जी टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर फॉर्म्स, ठीक है. इनमें आई एन जी को यूज़ करना है और इसकी फॉर्म चेंज करनी है, ठीक है. आई एन जी लगने का मतलब है वो काम पास्ट में चल रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं तो वो काम अभी हो रहा है. जैसे स्माइल, मुस्कुराहट हो गई, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, मुस्कुरा रहा है. कम कमिंग, आ रहा है. गो का गोइंग, जा रहा है. टेल का टेलिंग, बोल रहा है, ठीक है. तो ऐसे क्या करना है, इनमें आपको आई एन जी लगा कर इनको बनाना है. आगे है राइट द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है. तो इसमें क्या है, जैसे आई एम ऐसे लिखा हुआ है, शॉर्ट में अगर आपको आई एम लिखना है तो हम ऐसे आई अपोस्ट्रोफी एम. डिड नॉट को कैसे लिखेंगे, डिड अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है. डू नॉट को डू डी ओ एन अपोस्ट्रोफी टी, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है. जो हम यहाँ वर्ड लिखते हैं इनको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है. या आप इनको कंट्रैक्टेड फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है. तो ये आपको सारी याद करनी है बेटा, और साथ ही इस लेसन में भी आपको इतना ही काम करना है. आपके क्वेश्चन आंसर हैं 6 एंड आपके यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, आई एन जी एडिंग है और आपके वर्ड मीनिंग है. अब हम अपने नेक्स्ट लेसन देखते हैं. तो बच्चों, जो आपका लेसन 4th है वो एक पोएम है, द फन फेयर, ठीक है. मेले की बात हो रही है यहाँ पर, और उसमें भी जो फन फेयर के अंदर झूले होते हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर की गई है. तो इसमें हम इसकी अब एक्सरसाइज देखेंगे. फर्स्ट में है आपको 5 ऐसे वर्ड लिखने हैं पोएम में से देखकर, जिनमें ओ यू की साउंड आती हो, ठीक है. जैसे अबाउट, राउंड, बाउंड, ग्राउंड एंड अराउंड, ठीक है. ओ यू सब में आया हुआ है, ओ यू सब में आया हुआ है ना. नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द चाइल्ड टॉकिंग अबाउट हैविंग फन. तो जो बच्चे हैं वो कहाँ पर मस्ती की बात कर रहे हैं, तो द चाइल्ड टॉकिंग अबाउट, बच्चे बात कर रहे हैं और मस्ती के बारे में, एट फन फेयर, मेले के अंदर. फिर है, इज़ द पोएट रियली राइडिंग ऑन द हॉर्स, तो क्या उन्होंने सच में वहाँ पर घोड़े की सवारी की. तो यस, द पोएट रियली राइडिंग ऑन द हॉर्स, उसने वहाँ घोड़े की सवारी की थी. हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड राउंड अबाउट यूज इन द पोएम, इस पोएम में राउंड अबाउट जो ये वर्ड है ये कितनी बार यूज़ हुआ है, कितनी बार आया है. तो द वर्ड राउंड अबाउट जो आया है यूज 7 times, 7 times आया है, ठीक है, इन द पोएम, पोएम के अंदर. तो यहाँ आपके बच्चों झूले दिए हुए हैं, पिक्चर है, ये हमारा एग्ज़ाम में नहीं आएगा. यहाँ इनके नाम लिखने हैं, तो मैं आपको वैसे बताती हूँ. ये इस, ये वाला जो झूला होता है इसको सीसा बोलते हैं, ठीक है. ये होता है मैरी गो राउंड, एंड ये जो होता है इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर, ठीक है. तो हमारा 3rd and 4th लेसन हमने आज रिवाइज़ किया है. इसमें जो आपके वर्ड मीनिंग है जितने भी, और दोनों लेसन्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जितना भी ग्रामेटिकली वर्क है, हम सारा लर्न करेंगे, ठीक है.
तो आज इतना ही करेंगे, बाकी की लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।